अगर आपको बंधन बैंक से अपना बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करना है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में सिखाऊंगा बंधन बैंक में अपना स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं। वैसे आपको किसी भी बैंक से स्टेटमेंट निकालने की या फिर डाउनलोड करने की जरूरत तब होती है जब आप किसी बैंक से लोन लेते हैं या फिर आपको ITR भरना होता है। तो ऐसे में आपको अपना स्टेटमेंट निकालने के लिए बैंक में जाना होता था, लेकिन अब आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से ही बंधन बैंक का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए आपको अपना मोबाइल का ब्राउजर ओपन करना है और अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर गूगल में सर्च करना है बंधन बैंक नेट बैंकिंग। जैसे आप यहाँ पर बंधन बैंक नेट बैंकिंग सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे ऊपर आपको यहाँ पर ये वेबसाइट दिखाई देगी, आपको सिंपल यहाँ पर इस वेबसाइट पर टच करना है। अब आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आपको बंधन बैंक में साइन इन करना है, यहाँ पर आपको अपनी नेट बैंकिंग ID डालनी है और यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन पर टच करेंगे तो लॉगिन करने के बाद बंधन बैंक की ऑफिशियल साइट आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाई देगी। आप यहाँ पर अपना बैलेंस वगैरह देख सकते हैं, सेविंग अकाउंट का आप यहाँ पर बैलेंस देख सकते हैं और अगर आपका करंट अकाउंट है तो उसका बैलेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर अकाउंट स्टेटमेंट पर टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर अकाउंट स्टेटमेंट पर टच करेंगे, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे ऊपर आपको यहाँ पर फीचर दिखाई देगा अकाउंट टाइप, यहाँ पर आपको अकाउंट टाइप करना है। अकाउंट टाइप आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं, अगर आपका करंट अकाउंट है या फिर आपका सेविंग अकाउंट है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं किस टाइप का आपका अकाउंट है। तो जैसे ही आप यहाँ पर टच करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये पॉपअप आ जाएगा, आप यहाँ पर अपना अकाउंट सेट कर सकते हैं किस तरह का आपका अकाउंट है जिसका आप स्टेटमेंट देखना चाहते हैं। सेविंग अकाउंट है तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, करंट अकाउंट है तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं और अगर आपका डिपॉजिट अकाउंट है तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। डिपॉजिट अकाउंट यानी कि जिसमें आप FD वगैरह करते हैं, या फिर आपका अगर लोन अकाउंट है जिसका आपको स्टेटमेंट देखना है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस टाइप का आपका अकाउंट हो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अकाउंट टाइप सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर एक फीचर दिया गया है सिलेक्ट एनी अकाउंट। आप जैसे ही यहाँ पर सिलेक्ट एनी अकाउंट पर टच करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर अगला पॉपअप कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर आपके बंधन बैंक में एक से ज्यादा अकाउंट है तो आपके सभी अकाउंट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आप यहाँ पर वो बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं जिस बैंक में आपका अकाउंट है। अब यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको अपना कौन सा स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। आप मिनी स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, पास्ट मंथ का आप स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर पास्ट 6 मंथ का आप स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर आप करंट फाइनल ईयर का स्टेटमेंट चाहते हैं, या फिर आप प्रीवियस फाइनल ईयर का स्टेटमेंट चाहते हैं, या फिर आप सिलेक्टेड डेट का स्टेटमेंट चाहते हैं, वो सब आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर बैट विन ए डेट रेंज पर टच करते हैं तो आपको यहाँ पर वो डेट डालनी है जिस स्टार्ट डेट से आप अपना स्टेटमेंट चाहते हैं, और यहाँ पर आपको वो डेट डालनी है जिस एंड डेट तक आप अपना स्टेटमेंट चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर टच करना है। सबमिट पर टच करने के बाद नीचे आप यहाँ पर अपना स्टेटमेंट देख सकते हैं और इस स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर डाउनलोड पर टच करना है और डिफॉल्ट यहाँ पर PDF सिलेक्ट होता है। PDF फाइल में आपका स्टेटमेंट डाउनलोड होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर टच करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये पॉपअप आ जाता है। PDF ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट होता है, लेकिन अगर आप चाहे तो यहाँ पर Excel में भी अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, HTML में भी आप यहाँ पर अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से यहाँ पर PDF ही होता है, तो आप जिस फॉर्मेट में चाहे अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आपका बंधन बैंक का स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और ये जो मैंने आपको बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करने का तरीका बताया है ये मोबाइल से बताया है। अगर आपको मोबाइल से स्टेटमेंट डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने PC से भी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। प्रक्रिया सेम होने वाली है, बस आपको अपने PC या लैपटॉप में जाने के बाद यहाँ पर सर्च करना है बंधन बैंक इंटरनेट बैंकिंग। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, आप यहाँ पर फर्स्ट साइट को ओपन कर सकते हैं। अगला इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपना इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम डालना है और यहाँ पर आपको अपना इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे लॉगिन पर टच करना है। लॉगिन पर टच करने के बाद बंधन बैंक की साइट आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी और अब यहाँ पर नीचे आपको एक फीचर दिखाई देगा अकाउंट स्टेटमेंट। सिंपल आपको यहाँ पर अकाउंट स्टेटमेंट पर टच करना है और जैसे ही आप यहाँ पर अकाउंट स्टेटमेंट पर टच करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा।
जाएगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट अकाउंट पर टच करने के बाद अपना अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है, जैसे कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट या फिर लोन अकाउंट। और यहाँ पर अपना अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद आपको अब यहाँ पर सिलेक्ट एनी अकाउंट पर टच करना है। सिलेक्ट एनी अकाउंट पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर अपना वो अकाउंट सिलेक्ट करना है जिसका आपको स्टेटमेंट देखना है। हो सकता है आपके बंधन बैंक में एक से ज्यादा अकाउंट है तो सभी अकाउंट आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप यहाँ पर अपना वो अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका आपको स्टेटमेंट चेक करना है या फिर डाउनलोड करना है। अब यहाँ पर अपना अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से दिया गया है। आप यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं, पास्ट वन मंथ का आप स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर आप पास्ट के 6 मंथ का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, करंट फाइनल ईयर का आप स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, प्रीवियस फाइनल ईयर्स का आप स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, ये सब आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर बिटवीन ए डेट रेंज पर टच करने के बाद यहाँ पर आप स्टार्ट डेट डाल सकते हैं और यहाँ पर आप एंड डेट डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट पर टच करने के बाद अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पर टच करेंगे तो अब आप यहाँ पर अपना स्टेटमेंट देख सकते हैं। और अपने स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर डाउनलोड पर टच करना होगा। अगर आप यहाँ पर PDF पर टच करते हैं या फिर आप यहाँ पर इस आइकन पर टच करते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं आपको अपना स्टेटमेंट किस फॉर्मेट में डाउनलोड करना है। यहाँ पर 3 तरह के फॉर्मेट दिए गए हैं, PDF, Excel, HTML। आप यहाँ पर जिस फॉर्मेट में चाहे अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड पर एक बार टच करना है और फिर उसके बाद आपका जो बंधन बैंक का स्टेटमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।